दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहेंगे इस प्लान को मैं आज बताने वाला हूँ। इसमें मैंने बेसमेंट भी कवर्ड किया है, मतलब बेसमेंट भी बनाया है और इसका ग्राउंड फ्लोर भी बनाया है। इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। अगर हम साइज़ की बात करें तो इसका साइज बहुत ही बड़ा है, 24 फीट इसकी चौड़ाई है। लंबाई की बात करें तो 80 फीट में बना है, 24x80 में। हमारे एक कस्टमर थे, पेड कस्टमर हैं, उन्होंने इस मॉडल की डिमांड की थी तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये मॉडल क्रिएट किया गया है। मैं आपके सामने पूरा मॉडल एलिब्रेट करूँगा, डिस्कस करूँगा कि 24x80 फीट का अगर आपके पास प्लॉट है तो आप कैसे विथ बेसमेंट का एक बेहतरीन सा प्लान बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बने स्टूडियो में लगातार मैं हूं पवन जागल और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान आपको लगातार न्यू वीडियो देता रहता है, न्यू मॉडल्स देता रहता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप घर बनवाने की सोच रहे हैं या आप बनवा चुके हैं और फ्रंट एलिवेशन करवाना चाहते हैं तो आप स्मॉल हाउस प्लान से एक नया आइडिया लेकर अपना घर बना सकते हैं। तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर पहले से ही कर दें, क्योंकि हमें थोड़ी मेहनत लगती है तो आप लोग भी मोटिवेट करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्लान 24x80 फीट में। तो अगर हम पूरा बात करें तो ये पूरा प्लान है, इसका मैंने बाउंड्री वॉल आप देख रहे होंगे आगे, ये बेसमेंट प्लान है, इसको मैंने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि नीचे पूरा हॉल है और ये ग्राउंड फ्लोर ही आपका ये बना हुआ है। तो 24 फीट इसका जो फ्रंट आप देख रहे हैं 24 फीट और ओवरऑल इसकी लंबाई देख रहे हैं 80 फीट में ये बना हुआ है 24x80। और इनका पीछे भी रोड है, मतलब इनके पीछे और भी ज़मीन पड़ी हुई है बहुत सारी, तो इसलिए हम विंडो और डोर इनके पासिंग के लिए मैंने दिया है। अगर आपके पास पीछे ज़मीन नहीं है तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। कुल मिलाकर फ्रंट आपका ये रहने वाला है। तो चलो सबसे पहले ग्राउंड रोड की बात करते हैं। ये सबसे पहले इनका बेस है, बेसमेंट है, बेसमेंट की यहाँ पर डोर आपका लगेगा और यहाँ से डोर के जाने के बाद आपको आगे मैंने 20 फीट छोड़ दिया है, 80 फीट टोटल था, 80 में 20 फीट आगे छोड़ दिए हैं और 60 फीट में पूरा मकान बना हुआ है। जैसे आप आगे जाएंगे तो ये आपको एक स्लोप दिया है, बेसमेंट आप देख पा रहे हो, नीचे गाड़ी पार्किंग के लिए कुछ भी के लिए स्लोप दिया है और यहाँ पर एक शटर दिया है, ये 8 फीट का शटर है। ओवरऑल 24 फीट जगह है, 24 फीट में 20 में पिलर बने हुए तो 12-12 फीट पोर्शन में डिवाइड किया है और 8 फीट का शटर है, 4 फीट की स्टेयर्स यहाँ से क्यों है ये मैं बताऊँगा अभी, साथ साथ ये भी स्टेयर्स है। और बेसमेंट की अगर बात करें तो स्टेयर्स आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, इस कॉर्नर पर फ्रंट में ही एक तरफ मैंने दी है, ये आपकी स्टेयर्स ऊपर तक चली जाएंगी। तो पूरा बेसमेंट आप देख रहे होंगे। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है, अब देखिए पहले इस वाले हम डोर की बात करते हैं। डोर मैंने क्यों दिया, क्योंकि 24 फीट था घर इनका टोटल एरिया, इसमें इनको 20 फीट बनवाना था, 4 फीट की इनको गैलरी भी पीछे जाने के लिए छोड़नी थी, तो इसलिए मैंने अलग से ये डोर दिया है। अगर कोई घर में नहीं जाना चाहता है और डायरेक्ट गैलरी को एक्सेस करना चाहता है तो आप इस डोर से एक्सेस करके इस गैलरी के होते हुए आप पीछे पहुँच सकते हैं। इसके बाद एक डोर घर में जाने के लिए दिया है जो कि स्टेयर से यहाँ से जाएंगे, और ये एक विंडो दिया है जहाँ पर आपकी स्टेयर से इसमें वेंटिलेशन के लिए ये विंडो है, और एक विंडो और है क्योंकि यहाँ पर बेडरूम में से एक्सेस करेंगे तो डायरेक्ट आप बेडरूम में पहुँचे जाते हैं जो कि गेस्ट रूम बना हुआ है। और इस गेस्ट रूम में मैंने अटैच्ड लेट एंड बाथ भी एक बना दिया है, ये देखिए गेस्ट रूम भी अटैच लेट एंड बाथ है, और इस आपके डोर से आप अंदर जाएंगे। जैसे अंदर जाते हैं तो आपको फिर से एक बेडरूम मिलता है बड़ा सा, आप ये देख पा रहे होंगे बेडरूम्स, और ये आपका जो बना हुआ है यहाँ पर बात करें ये भी आपका एक लेट एंड बाथ और बना हुआ है, ये आपका बड़ा सा स्पेस छूट जाता है। यहाँ पर देख रहे जूम करके मैं दिखाता हूँ बड़ा सा स्पेस इसका, ये भी आपका स्पेस छूटता है, और पीछे आपको दो बेडरूम्स और मिल जाते हैं। इसके बाद ये आपका पूजा घर, ये आपका किचन एरिया मिल जाता है, ये आपकी गैलरी 4 फीट की बनी हुई है। अगर गैलरी को आप बीच से घर से एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक डोर दिया है, आप यहाँ से गैलरी में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो 4 इनकी जो रिक्वायरमेंट थी, 4 बेडरूम्स की रिक्वायरमेंट थी, 2 लेट एंड बाथ की रिक्वायरमेंट थी, एक अटैच्ड और एक कॉमन, और एक किचन और एक पूजा घर, इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये मकान पूरा बना हुआ है 24x80 फीट में, जिसमें 4 फीट की गैलरी बना रखी है। लास्ट फ्लोर की बात करें तो लास्ट फ्लोर पर चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल और स्टेज को ढकने के लिए जो आपकी सीढ़ियाँ आई हैं उनको ढकने के लिए गुमटी और ये बेहतरीन सी ग्रिल दोनों तरफ बना रखी मैंने, देखिए आगे भी और पीछे सिमिलर प्लान आगे और पीछे का लगभग आपका मिल जाता है 24x80 फीट में। तो अगर आपको प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स।